हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गगन कुमार आपके लिए लेके आए हैं। 8th क्लास का यूनिट है कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम यूनिट में हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, वो बेसिक नीड्स हम फुलफिल करते हैं। वो बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल होती हैं, नेचर से भी होती हैं और कुछ मैन मेड मटेरियल्स होते हैं उनसे भी होती हैं। तो नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाई नेचर, जो हमें कुदरत की तरफ से मिलती हैं, जैसे सन होता है, ट्री होते हैं, रिवर्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो जैसे हम सूरज से एनर्जी लेते हैं तो हम इससे चेंज नहीं कर सकते हैं। ट्रीज हैं, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हम इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैन मेड थिंग्स भी होती हैं, जैसे बुक्स हो गया, बुक्स हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, हमारा घर हो गया, कार हो गया, चेयर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जो मैन बनाते हैं, जो कुदरत नहीं बनाती है। द थिंग्स विच आर मेड बाई मैन, तो इनको इंसान लोग बनाते हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। वो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं हमें एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, और वो खत्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है एयर, वाटर। अब एयर हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें एयर का इस्तेमाल होता है। वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये खत्म नहीं होने वाले होते हैं। इनसे हम और भी काफी सारे इनके यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, विल बी एग्जॉस्टेड, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद द यूज, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूज ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। पेट्रोलियम, कोल, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे इनको हम कैटेगराइज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि नेचर में होते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मीन कि नेचुरल रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे यूज्ड। ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं लिमिटेड अमाउंट में, अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट एंड डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और अगर ये रिन्यू भी होते हैं और इनको काफी समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं। फॉसिल फ्यूल इसमें होते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं विच आर इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होते हैं, एंड कैन बी रिप्लेस्ड, और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, और हम इनको बार बार इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट, और ये अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं, डिप्लीट नहीं होते हैं। डेवलप इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही रिन्यू हो जाते हैं। सोलर, विंड एंड वाटर आर द एग्जांपल्स।